हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैटी एसजी क्रिएटिव। तो आज के इस वीडियो में हम डीआईवाई ज्वेलरी बनाएंगे फैब्रिक और कार्डबोर्ड का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे पास ये कुछ वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा प्रिंट है, तो हम इससे कुछ अच्छी सी ज्वेलरी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी ज्वेलरी बन के आती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं और उनको जो भी मुझे शेप चाहिए थी मैंने उस शेप में कट करके रख लिया है। और यहाँ पे मैं इस प्रिंट में से जो ये विमेन बनी हुई है इसका मैं फेस कट करके निकाल लूँगी, और जहाँ जहाँ से भी जो मुझे प्रिंट्स इस ज्वेलरी में देने हैं उनको मैं कट करके निकाल लूँगी। और फिर इसके बाद मैं फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो ये मैंने फैब्रिक निकाला है कट करके उसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर जैसे भी मुझे प्लेसमेंट चाहिए उस प्लेसमेंट में इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं कैसे इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का एक स्क्वायर बड़ा लिया है और एक छोटा स्क्वायर लिया है। तो बड़े वाले स्क्वायर पर जो है मैंने यहाँ पर जो विमेन का फेस कट करके निकाला था प्रिंट का उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी, और जो छोटा वाला स्क्वायर काटा है मैंने कार्डबोर्ड का उसके ऊपर मैं ये छोटा सा फ्लावर का जो प्रिंट कट करके निकाला है उसको पेस्ट कर दूंगी। और अब ये मैंने जो हमारे शॉपिंग बैग्स आते हैं ये लिया है, और इसको मैंने रेड कलर में इसलिए लिया है क्योंकि हमारे जो ये फैब्रिक है इसमें भी रेड कलर था, तो मैंने बैक साइड में ये लगाने के लिए लिया है। तो जब हम इसके बैक को कवर करना होता है तो उसके लिए हमें कोई प्लेन कॉटन फैब्रिक का यूज़ करना चाहिए, या फिर आपके पास अगर कॉटन फैब्रिक अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसे इस तरह से ये जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये रखा था रेड कलर में तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया है। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक आई पिन भी इंसर्ट कर दी है ताकि जो हमने ये दोनों पार्ट्स बनाए हैं इनको बाद में एक साथ ज्वाइन कर सकें, तो हमें ये आई पिन हेल्प करेगी दोनों पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन करने में। तो अब ये हमारे दोनों जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्रिलिक पेंट लिया है और उससे मैं इसके फेस को हाईलाइट करूँगी, और थोड़े थोड़े से मैं सारे कलर्स हाईलाइट करूँगी रेड और ब्लैक ताकि ये जब बन जाए तो थोड़ा सा वाइब्रेंट दिखे और अच्छा लगे। आई होप जब ये ज्वेलरी बन जाएगी तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि जब मैंने ये फैब्रिक देखा था तो मुझे लगा था कि इससे बहुत अच्छी सी ज्वेलरी बन सकती है और काफ़ी ट्रेडिशनल भी लगेगी वो ज्वेलरी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छा सा प्रिंट है। तो देखते हैं कैसी बन के आती है। तो ये अब मैं मेरे पास ये थोड़े से कुछ बीड्स रखे थे रेड कलर के, तो मुझे लगा थोड़ा से हम इसके ऊपर और एम्बेलिशमेंट्स ऐड करके इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़े से जो बीड हैं रेड कलर के इसके ऊपर इसके कॉर्नर में लगा दूंगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये देखिए अब ये रेडी हो गया है, हमारे बीड्स भी लग गए हैं और पेंट भी अच्छे से सूख गया है। तो अब मैं इसमें जंप रिंग लगा के इन दोनों पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन कर लूँगी और इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो जो भी मैं इसमें मटेरियल यूज़ कर रही हूँ मैंने ये सारा मटेरियल अमेज़ॉन से ख़रीदा था, तो मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप इसे जंप रिंग एंड आई पिन वगैरह सब कुछ आप लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे प्राइस पर बहुत ही सस्ते प्राइस पर मार्केट में मिल जाता है। बट अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए ये बनके तैयार है, और मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ये काफ़ी अच्छा बनके आया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और देखते हैं जब इसका नेकलेस तैयार हो जाएगा तो ये पूरा सेट किस तरह का लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नेकलेस के लिए भी यहाँ पे जो भी शेप्स मुझे चाहिए थी वो मैंने कट करके उनके ऊपर फैब्रिक चिपका के रेडी करके रख लिया है, और जो एरोज़ बनाए हैं उनके मैंने दोनों तरफ आई पिन लगाए थे, और जो मैंने बड़ा स्क्वायर बनाया है सेंटर वाला पार्ट उस पर भी मैंने आई पिन लगाए हैं, और हम इन सबको जंप रिंग की हेल्प से अटैच कर लेंगे। और नेकलेस को कंप्लीट करने के लिए ये मैं एक ब्रेड बना रही हूँ, जो हमारे एंकर के थ्रेड आते हैं मैंने उनका यूज़ करा है। आप एंकर के थ्रेड की जगह वुल
और कोई भी थ्रेड जो आपके पास मोटा थ्रेड अवेलेबल हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो हमारे नेकलेस के पार्ट्स हैं उनके साथ अटैच कर देंगे। मैंने जो ये ब्रेड बनाई थी इसमें से जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड थे वो मैंने कट करके अलग कर दिए हैं और मैंने इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके सेंटर से कट कर दिया है। अब मैं इन ब्रेड्स जो थ्रेड ब्रेड्स हैं इनको मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको जो सबसे छोटे वाले स्क्वायर पार्ट्स हैं उसके ऊपर इस तरह से चिपका के और फिर इसको पीछे से फैब्रिक से कवर कर दूंगी और इसको अच्छे से फिक्स कर दूंगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने थ्रेड चिपकाने के बाद इसको मैंने फैब्रिक से कवर कर दिया है और इसके सूखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस नेकलेस के सारे पार्ट्स रेडी हो गए हैं और अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं। अब हम इन सब पार्ट्स को एक साथ अटैच करेंगे जंप रिंग की हेल्प से। तो मैंने प्लायर के साथ इसको जंप रिंग इसके अंदर आई पिन के अंदर इंसर्ट करके अच्छे से फिक्स कर दिया है जिस तरह से आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इन सबको अच्छे से एक साथ अटैच करने के बाद हमारा नेकलेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने इस साइड में ये पार्ट्स अटैच किए हैं उसी तरह से मैं दूसरी साइड भी सारे पार्ट्स अटैच कर दूंगी और इस नेकलेस को कंप्लीट करूंगी। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ईयरिंग्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे नहीं पता था जब ये कंप्लीट हो जाएगा और बन के तैयार होने के बाद ये इस तरह से इतना सुंदर निकल के आएगा। तो अब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ये एक जो बीड लिया है, मेरे पास ब्लैक कलर का बीड नहीं था इसलिए मैंने इसको पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो हम इसको नेकलेस में कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देंगे ताकि जो अब हमारा ये नेकलेस है वो एक एडजस्टेबल नेकलेस में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इस बीड को कुछ इस तरह से इंसर्ट कर दिया है और इन बीड इंसर्ट करने के लिए मैंने वहाँ पे मास्किंग टेप लगाया हुआ था ताकि जो हमारे ब्रेड बनाया हुआ खुल भी ना जाए और वो जो बीड है वो हम इजिली इंसर्ट कर सके। और अभी मैं एक थ्रेड लेके इसके पीछे एक नॉट बांध दूंगी और नॉट बांध के अब हम ये पीछे एक थ्रेड लूप्स बनाएंगे जो कि हमारे ऑलमोस्ट नेकलेस सारे नेकलेस में इस तरह से बना हुआ होता है। तो मैं इस तरह से इसमें पीछे ये एक थ्रेड लूप बना दूंगी। आप चाहें तो नॉर्मल नॉट भी बांध सकते हैं, ये आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से पीछे से रखना चाहते हैं। तो देखिए ये हमारा एक एडजस्टेबल नेकलेस बनके तैयार है। आप इसको किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, साड़ी के साथ और इवन वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।